डायना काले पोशाक वाले आदमी पर दबाव बनाते हुए कहती है, देखो तुम ना मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ उस गुफा में क्या हुआ था तुम्हारे साथ। काला पोशाक वाला आदमी अपनी बात पर अडिग रहते हुए डायना से कहता है, डायना मैंने तुम्हें बताया तो कि कल रात जिस गुफा में मैं गया था वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जिससे मुझे कोई खतरा हो। वहाँ पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं था, वहाँ पर तो बस एक बड़ा सा काला समतल पत्थर रखा हुआ था जिस पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी और फिर सुबह होते ही मैं वहाँ से निकल गया। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, तो फिर जरूर उस काले पत्थर में ही कुछ होगा, उसी की वजह से तुम ऐसे हो गए हो। काला पोशाक वाला आदमी चिढ़ते हुए डायना से कहता है, मुझे क्या हो गया है डायना, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। डायना अपने मन की बात काले पोशाक वाले आदमी को बताते हुए कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूर उस गुफा में पत्थर पर सोने के बाद तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, वरना तुम्हें मेरी कहाँ कोई चिंता होती थी, तुम तो बस कालगढ़ की रट लगाए फिरते थे। काला पोशाक वाला आदमी डायना को घूरते हुए कहता है, डायना तुम भी ना बहुत अजीब हो, तुम्हारी फिक्र करो तो तुम्हें परेशानी है, ना करूं तो तुम्हें परेशानी है, अब तुम ही बता दो मैं क्या करूं तुम्हें। डायना झट से बोल पड़ती है, प्यार। जैसे ही काले पोशाक वाले आदमी के कानों तक डायना के ये शब्द पहुंचते हैं, काला पोशाक वाला आदमी एकदम चुप हो जाता है। कुछ पल बाद ही काला पोशाक वाला आदमी हकलाते हुए डायना से कहता है, क्या कहा तुमने। डायना जानबूझकर नाटक करते हुए कहती है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ सुना क्या। काला पोशाक वाला आदमी चुप ही रहता है। डायना काले पोशाक वाले आदमी की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाती है, पिघल रहा है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, क्या पिघल रहा है। डायना बड़े प्यार से कहती है, तुम्हारा दिल। काला पोशाक वाला आदमी बौखलाहट के साथ डायना से पूछता है, क्या कहा। डायना तुरंत बात को पलटते हुए कहती है, ये पहाड़, मैंने कहा ये पहाड़ पिघल रहा है। काला पोशाक वाला आदमी कुछ चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या ये पहाड़ बर्फ का नजर आ रहा है डायना, जो तुम्हें ये पिघलते हुए दिख रहा है। डायना अपनी आंखें मटकाते हुए नाटक के साथ कहती है, मेरी नजर में तो ये पहाड़ बर्फ का ही है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, लगता है थकान तुम्हारे दिमाग पर असर करने लग गई है, तभी ये बेतुकी बातें कर रही हो, तुम ना रुको दो मिनट जरा। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी अपनी जेब में से कुछ निकालने लग जाता है। डायना भी उसकी जेब की तरफ देखने लग जाती है। काला पोशाक वाला अपनी जेब से कुछ निकालता है और अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ाते हुए डायना को कुछ देते हुए कहता है, ये लो डायना। डायना काले पोशाक वाले आदमी के हाथ की तरफ देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहती है, ये क्या है। काले पोशाक वाले आदमी के हाथ में तीन चार हरे रंग के कुछ पत्ते थे। काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये दम्बेल के पत्ते हैं, इसे खा लो। डायना अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहती है, इसे खा लूं पर क्यों। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, ये एक एंटीबायोटिक औषधि है, इसे खाने से तुम्हें ताकत मिलेगी, ये तुम्हें जितनी थकान हुई है ना सारी मिट जाएगी, इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के गुण होते हैं। डायना हैरानी के साथ कहती है, ये कहां से मिल गए तुम्हें। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, इसी पहाड़ से डायना, तुमने देखा नहीं था क्या कि इस पहाड़ की चोटी का जो शिखर है वहाँ पर कितने सारे औषधीय पौधे लगे हुए हैं, वहीं से मैंने इसे तोड़ लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वक्त आने पर इसकी जरूरत बढ़ सकती है। डायना उस बारे में याद करते हुए खुद से कहती है, हाँ वहाँ पर तो मैंने भी बहुत सारे औषधीय पौधे देखे थे, मुझे तो ये औषधीय पहाड़ लगता है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, ये वही है डायना, ये लो अब इसे खा लो। डायना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना इसे, तुम ही खाओ, मुझे कोई ताकत की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, अरे खा लो, औषधीय पत्तियां दे रहा हूँ, जहर नहीं दे रहा हूँ जो इतना घबरा रही हो, रुको मैं ही खाकर दिखाता हूँ तब शायद तुम यकीन करो। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी एक पत्ती उठाकर खुद खा लेता है और फिर अपना हाथ डायना की तरफ करते हुए कहता है, लो अब तो खा लोगी ना। डायना चुप ही रहती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है। वो काला पोशाक वाला आदमी अपने हाथ डायना के मुंह की तरफ ले जाते हुए कहता है, लगता है मुझे ही खिलाना पड़ेगा, मुंह खोलो अपना। काले पोशाक वाले आदमी का हाथ अपने इतने करीब देखकर डायना को न जाने क्या हो जाता है, उसका मुंह अपने आप खुल जाता है और वो दम्बेल के पत्ते को खाने लग जाती है। डायना दम्बेल के पत्ते को चबाते हुए कहती है, इसे चबाने से तो सच में ताकत महसूस हो रही है, इसका नाम एकदम सही है दम्बेल, बताओ इसे खाते ही मेरे अंदर दम आ गया। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, अब ताकत आ गई हो तो फिर हम चलें। डायना अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो, तुम ही तो रुक गए थे, मैं कहाँ पर रुकी थी। काला पोशाक वाला आदमी भी डायना के पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाता है।
कुछ देर तक और लगातार चलने के बाद ही आखिरकार वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही डायना और काला पोशाक वाला आदमी दोनों एक साथ रुक जाते हैं। अक्सर मंजिल पर पहुंचने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है, पर काला पोशाक वाला आदमी और डायना दोनों के चेहरे पर वो सुकून और चमक दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। उनके चेहरे पर नजर आ रहा था तो सिर्फ डर। उनकी आंखों के सामने ही लाल खाल जंगल था जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लाल खाल जंगल में लगे पेड़ों के तने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की खाल लटक रही हो। आसमान में ढेर सारे बॉटफ्लाई उड़ रहे थे जिनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। डायना कुछ डरते हुए कहती है, अब ये क्या है? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, यही तो है लाल खाल जंगल डायना, जहां पर हमें पहुंचना था। डायना कहती है, ये लाल खाल जंगल है वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर यहाँ पर कालगढ़ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, कालगढ़ भी यहीं पर है डायना, अब बस हमें उसे ढूंढना है। डायना पलट कर कहती है, पर हम कालगढ़ को ढूंढेंगे कैसे? तुम्हें दिख नहीं रहा ये लाल खाल जंगल कितना ज्यादा फैला हुआ है? मेरी नजर तो जहां तक जा रही है वहां तक मुझे लाल खाल जंगल ही नजर आ रहा है। काला पोशाक वाला आदमी खामोशी रहता है क्योंकि उसके पास भी डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वो लाल खाल जंगल पहुंच तो गया था पर उसे ये नहीं पता था कि वहां पर पहुंचकर कालगढ़ का पता कैसे लगाना है। डायना और काला पोशाक वाला आदमी अपने आसपास देखने लग जाते हैं पर उन्हें दूर दूर तक लाल खाल जंगल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, कैसे कालगढ़ को ढूंढे। उसी वक्त डायना अपने हाथ से सामने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो जरा। काला पोशाक वाला आदमी भी आसमान में उस तरफ देखने लग जाता है जहां पर डायना ने इशारा किया था। वो दोनों देखते हैं कि जमीन से आसमान की तरफ एक तेज सीधी रोशनी जा रही थी जो जैसे ही आसमान तक पहुंचती है एक तेज धमाका होता है और उस धमाके की गूंज के साथ ही वो रोशनी आसमान में फैलने लग जाती है। देखते ही देखते आसमान में एक चक्र घूमने लग जाता है। वो चक्र सुनहरे रंग में चमके जा रहा था और गोल गोल घूमते जा रहा था। उस चक्र के अंदर ही ढेर सारे छोटे छोटे चक्र थे। रात के अंधेरे में आसमान में वो चक्र अलग ही अपनी तरफ उन दोनों को आकर्षित कर रहा था। काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ कहता है, अब ये क्या है? डायना आसमान में बने उस बड़े से चक्र को देखते हुए कहती है, मुझे तो ये किसी द्वार की तरह लग रहा है। काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ कहता है, द्वार? पर किस चीज का डायना? डायना कुछ जवाब देती है उससे पहले काला पोशाक वाला आदमी खुद ही बोल पड़ता है, कहीं ये स्थानांतरण द्वार तो नहीं है? डायना तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं नहीं, ये स्थानांतरण द्वार नहीं है। स्थानांतरण द्वार कभी आसमान में नहीं बनता, उसे बस धरती पर यहाँ से वहाँ जाने के लिए उपयोग किया जाता है। और तो और स्थानांतरण द्वार से कभी इतनी तेज रोशनी नहीं निकलती है, सुनहरी तो बिल्कुल भी नहीं। काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ कहता है, अगर ये स्थानांतरण द्वार नहीं है तो फिर क्या है? डायना परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं। कुछ देर तक तो डायना और काला पोशाक वाला आदमी दोनों ही आसमान में एक ही जगह पर घूम रहे सुनहरे चक्र को एकटक देखते रहते हैं। काला पोशाक वाला आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, डायना जब हम यहाँ पर आए थे तब ये चक्र नहीं था ना, ये अभी अभी बना है ना? डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ये अभी बना है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, मतलब 12 बजते ही ये चक्र अपने आप आसमान में दिखने लग गया। डायना काले पोशाक वाले आदमी को घूरते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि ये चक्र 12 बजे दिखा है? तुमने कहीं पर कोई घड़ी पहन कर रखी है? हो सकता है कि अभी कुछ और वक्त हो रहा हो। काला पोशाक वाला आदमी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैंने घड़ी पहनकर नहीं रखी है तो क्या हुआ डायना, पर आसमान में तो घड़ी है ना? डायना तुरंत आसमान की तरफ देखती है पर उसे आसमान में बस ढेर सारे बॉटफ्लाई, सुनहरा चक्र और चांद नजर आ रहा था। डायना कहती है, तुम्हें कहाँ आसमान में घड़ी नजर आ रही है? काला पोशाक वाला कहता है, तुम्हें वो चांद नजर आ रहा है डायना? डायना कहती है, हाँ आ रहा है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, वही तो है आसमानी घड़ी। डायना हैरानी के साथ कहती है, मतलब? काला पोशाक वाला आदमी डायना को समझाते हुए कहता है, डायना प्राचीन काल में सूरज की अलग अलग स्थितियों को देखकर सुबह, दोपहर, शाम और रात का पता लगाया जाता था। सूरज की कक्षा गतियों से ही पक्षों, महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों की कल्पना की गई थी। समय को सूक्ष्म रूप से नापने के लिए पहले शंकु यंत्र तथा धूप घड़ियों का प्रयोग हुआ करता था। रात्रि के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। उसके बाद पानी तथा बालू के घंटी यंत्र बनाए गए। ये भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे।
इनके बारे में ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों में जैसे पंच सिद्धांतिका तथा सूर्य सिद्धांत में मिलता है। पानी का घंटी यंत्र बनाने के लिए किसी पात्र में छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिससे पात्र एक घंटी में पानी में डूब जाता था। उसके बाहरी भाग पर पल अंकित कर दिए जाते थे, इसलिए पलों को पानीय पल भी कहते हैं। बालू का घंटी यंत्र भी पानी के घंटी यंत्र तरीका था, जिसमें छिद्र से बालू के गिरने से समय ज्ञात होता था और काला पोशाक वाला आदमी इसके आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी डायना अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, रुको रुको, तुम ना मेरा सिर और मत घुमाओ। एक तो वैसे ही सुनहरे चक्र को देखकर मेरा सिर वैसे ही घूम रहा है। तुम सीधे सीधे बताओ ना, ये मुझे चांद को देखकर तुमने कैसे वक्त का पता लगाया? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, जिस तरह दिन में सूरज की स्थिति को देखकर वक्त का पता लगाया जा सकता है, उसी तरह रात में भी चांद की स्थिति को देखकर वक्त का पता लगाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि चांद स्पष्ट नजर आना चाहिए। काला पोशाक वाला आदमी एक लंबी आह भरते हुए कहता है, चांद सूर्य अस्त होने के लगभग एक घंटे बाद उगता है। चांद से समय का पता लगाने के लिए मैंने सबसे पहले आसमान को चार भागों में बांट दिया, फिर मैंने आसमान के बीच का पता लगाया और फिर आकाश को पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले चार भागों में बांटने के लिए इन दो हिस्सों को आधे में बांट दिया। उसके बाद वक्त का पता आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे यदि चांद आसमान में अपने उगने वाले स्थान से 1/4 दूरी पर है, तो सूर्यास्त हुए लगभग 3 घंटे का समय हो गया है। यदि चांद आसमान में 3/4 दूरी पर है, तो सूर्यास्त हुए 9 घंटे हो गए हैं, और यदि चांद आकाश में आधा है, तो सूर्यास्त हुए लगभग 6 घंटे का समय हो गया है। काला पोशाक वाला आदमी अपने हाथ से फिर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और जरा इस वक्त तुम आसमान में देखो, चांद आसमान के एकदम बीचों बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज उगने में अभी 6 घंटे बचे हैं, यानी 12 बज चुके हैं। वैसे इससे सटीक समय तो नहीं मिलता, पर एक अच्छा अनुमान जरूर लग जाता है, और आज तक मेरा अनुमान कभी गलत नहीं निकला है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 12 बज गए हैं। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी चुप हो जाता है। जैसे ही वो चुप होता है, डायना ताली बजाना शुरू कर देती है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, क्या हुआ डायना, तुम ताली क्यों बजा रही हो? डायना कहती है, तुमने काम ही ऐसा किया है कि मुझे ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया है। काले पोशाक वाले आदमी को अभी भी डायना की बात समझ नहीं आई थी, वो चुप ही रहता है। डायना खुद ही फिर बोल पड़ती है, तुम मुझे अब सीधे सीधे एक बात बताओगे, यहाँ पर वक्त क्या हो रहा है, ये पता लगा कि तुम करना क्या चाहते थे? काला पोशाक वाला आदमी जवाब देता है, डायना तुम्हें पता है ना, 12 बजने के बाद ही काली शक्तियां बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे रात गुजरते जाती है, उसी के साथ काली शक्तियां भी बढ़ते जाती हैं। और जब हम यहाँ पर आए थे, तब ये सुनहरा चक्र आसमान में नहीं था, पर जैसे ही 12 बजे ये सुनहरा चक्र दिखने लग गया, यानी काली शक्तियों के बढ़ने के साथ ही, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस सुनहरे चक्र को जिसने भी बनाया है, उसके पास काली शक्तियां हैं। और तुम जानती हो कि इस वक्त लाल खाल जंगल में किसके पास काली शक्तियां हैं? डायना खुद ही बोल पड़ती है, काला साया। काला पोशाक वाला आदमी हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, काला साया, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि हमें कहाँ पर जाना है, हम कैसे कालगढ़ को ढूंढेंगे, तो अब हमें वहीं पर जाना है जहाँ से सुनहरे चक्र को संचालित किया जा रहा है। वहीं पर हमें कालगढ़ भी मिलेगा और काला साया भी। डायना कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उस काले साये और उसके बनाए कालगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है, ये मानो कि हम वहाँ पर पहुँच ही गए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डायना कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उस काले साये और उसके बनाए कालगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है, या मानो कि हम वहां पर पहुंच ही गए। एक दिन बाद अष्टमी की रात शुरू हो चुकी थी, वही अष्टमी की रात जिसका युग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिर्फ युग ही अष्टमी की रात का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और भी था जो अष्टमी की रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि काला साया था। काला साया काली अंधेरी रात में जमीन पर पालकी मारकर बैठा हुआ था, और उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही निशान जो रूम नंबर 666 में फर्श पर बना हुआ था। दोनों ही निशान हूबहू एक जैसे ही लग रहे थे। काले साये के आसपास ही काला लबादा पहनकर कुछ मुर्दे खड़े हुए थे, जैसे वो मुर्दे आसपास नजर रखे हुए हों। उन सभी मुर्दे का लबादा इतना बड़ा था कि उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था,
उनका चेहरा उस लबादे से ही ढका हुआ था। काले साए की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, जैसे उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। उसका पूरा बदन बॉट फ्लाई और काले धुएं से बना हुआ था। अब तो उसके पीले दांत भी नजर आने लग गए थे, जो मटमैले, नुकीले और पैने थे, किसी जानवर के दांत की तरह। काला साया गुस्से के साथ खुद से कहता है, मैंने जिन मुर्दों को उस कामेश्वरी यक्षिणी को पकड़ने के लिए भेजा था, उस कामेश्वरी यक्षिणी ने उन मुर्दों को मुक्ति दिला दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे मुक्ति दिलाकर रहूंगा, पर अभी उसको मुक्ति दिलाने का वक्त नहीं है। अभी कालगढ़ बनाने का वक्त है। एक बार कालगढ़ पूरी तरह तैयार हो जाए, उसके बाद मैं सबको देख लूंगा, उस युग को भी, जो मेरा ही वंशज होकर मेरे ही खिलाफ हो गया है। काला साया अपने गुस्से पर काबू करते हुए फिर खुद से बोल पड़ता है, 2 सालों से मैं कालगढ़ बनाने में लगा हुआ हूँ। मैं अपने इस कार्य को सिर्फ उस कामेश्वरी यक्षिणी की वजह से अधूरा नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वक्त कालगढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उस कामेश्वरी यक्षिणी पर, वरना अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने का सपना सपना ही रह जाएगा। काला साया जमीन पर बनी आंखों के निशान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अब अमावस्या और पूर्णिमा की रात तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अभी तो अमावस्या आने में और 7 दिन बचे हुए हैं। मुझे कालगढ़ की स्थापना जल्द से जल्द करनी है, जिस वजह से मुझे अष्टमी की रात को भी वो सब करना होगा। वैसे भी ये अष्टमी की रात तो अमावस्या और पूर्णिमा की तरह ही मेरी मनपसंद रात है। आखिर इन्हीं अष्टमी की रात को तो मैं युग के शरीर में घुसकर औरतों के शिकार किया करता था। बड़ा मजा आता था औरतों के साथ संभोग करके, उनके शिकार करने में। और अब औरतों के शिकार नहीं करने हैं, किसी और के शिकार करने हैं। अष्टमी की रात अपहरण करना है, अपहरण। इतना कहकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। आसमान में ढेर सारे बॉटफ्लाई उड़े जा रहे थे, जो काले साए के हंसते ही आवाज करने लग जाते हैं, जैसे वो भी काले साए की हंसी में उसका साथ दे रहे हो। बॉटफ्लाई में अचानक से भगदड़ मच गई थी। काला साया हंसते हुए ही किसी को पुकारते हुए आवाज लगाता है, कछेंदर, कछेंदर। काले साए के 3 बार कछेंदर बोलते ही एक आदमी वहां पर भागते हुए आता है। उसने भी काला लबादा पहना हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी काले साए के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुकाते हुए काले साए से कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो, जय हो काल स्वामी की। काला साया उस आदमी के आसपास देखते हुए कहता है, तू अकेला आया, मुझे तो लगा था तुझे बुलाने से वो भी तेरे साथ ही आ जाएगा। आखिर तुम दोनों हमेशा साथ में जो रहते हो। लबादा पहना हुआ आदमी कुछ नहीं कहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, जा और जाकर उसे भी लेकर आ जा। तुम दोनों अलग अलग अच्छे नहीं लगते हो, साथ में अच्छे लगते हो। तुम दोनों की जोड़ी ही मेरी ताकत है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, वो आदमी वहां से भागते हुए जाता है और कुछ ही देर में एक और आदमी को लेकर आ जाता है। उस आदमी ने भी उसी की तरह काला लबादा पहनकर रखा हुआ था, जिस कारण उसका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों लबादे पहने आदमियों में अंतर ये था कि एक लबादा पहना हुआ आदमी कुछ मोटा था तो दूसरा लबादा पहना हुआ आदमी पतला था। उन दोनों में एक और अंतर था, वो ये कि जो मोटा आदमी था उसने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसमें नीले रंग का चमकदार मोती लगा हुआ था, जो अभी भी चमके जा रहा था। वो दूसरा मोटा आदमी जो अभी अभी आया था, वो भी अपना सिर नीचे झुकाते हुए काले साए से कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो, जय हो काल स्वामी की। काला साया एकटक उन दोनों को ही देखते रहता है, उनसे कुछ नहीं कहता है। अंगूठी पहना हुआ आदमी कहता है, आपने हमें याद किया काल स्वामी। काला साया कहता है, काम ही कुछ ऐसा था जिस कारण तुम दोनों को याद करना पड़ गया। पहला लबादा पहना हुआ आदमी कहता है, क्या काम है काल स्वामी, कहिए, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, अभी जान नहीं चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी पर बाद में। उस काले साए की ये बात कहते ही वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, पर कुछ कहते नहीं है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, आज रात तुम दोनों को वही काम करना है जो तुम दोनों हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मेरे लिए करते आए हो। अंगूठी पहना हुआ आदमी कहता है, मतलब हमें फिर से वहां पर जाना है। काला साया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, तुम दोनों को वहीं पर जाना है और वही लेकर आना है जो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात वहां से मेरे लिए लेकर आते हो। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैं चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, पर यह काम तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता।
तुम दोनों इस काम में माहिर हो और मेरे सबसे वफादार भी। पहला आदमी कहता है, आपके लिए वफादार तो हम हमेशा रहेंगे काल स्वामी, आखिर आपने ही तो हमारी जान बचाई है। काला साया कहता है, ये काम करने के बाद मैं तुम दोनों को एक और काम दूंगा। पहला आदमी हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, कौन सा दूसरा काम काल स्वामी? काला साया उसे घूरते हुए कुछ गुस्से के साथ कहता है, पहले ये काम तो कर लो, फिर वो दूसरा काम बताता हूँ। अगले ही पल काला साया मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। काला साया मंत्र बड़बड़ाते हुए कहता है, आम यूम कोली वाम हिम यू कोली चुवाक्रम अदृश्य दृश्य एकमम करिष्यामि, आम यूम कोली वा हमिम यू कोली चुवाक्रम अदृश्य दृश्य एकमम करिष्यामि। काला साया मंत्र बड़बड़ा ही रहा था कि देखते ही देखते उसके सामने जो निशान बना हुआ था उसमें ट्रायंगल के अंदर बनी आग की पुतली के अंदर मूवमेंट होने लग जाता है। वो काली पुतली एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाती है, उसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। काला साया उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहता है, अब जाओ और मेरे लिए वो लेकर आओ। याद रखना, हमेशा की तरह 12 बजे से पहले तुम्हें लौट आना है। अगर 12 बजे के बाद आए तो तुम दोनों जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और हाँ, इस बार एक नहीं दो लेकर आना। ये बात सुनते ही वो दोनों आदमी घबराने लग जाते हैं और उनकी ये घबराहट उनके कांपते हुए हाथ पैर को देखकर साफ समझ आ रही थी। पहला आदमी कांपते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए काल स्वामी, 12 बजे से पहले हम वो ले आएंगे, ये हमारा वादा है। काला साया चुप रहता है। वो दोनों आदमी वहीं पर खड़े रहते हैं और अपने आसपास कुछ देखने लग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज का एहसास हुआ हो। काला साया उन दोनों को टोकते हुए कहता है, तुम दोनों अब तक यहाँ पर खड़े हुए क्यों? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से और वो लेकर आओ। काले साये की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो दोनों आदमी एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और फर्श पर जो निशान बना हुआ था जिस पर आग की पुतली के अंदर मूवमेंट हो रहा था उसके अंदर कूद जाते हैं। जैसे वो दोनों उस आग की पुतली में कूदते हैं वो दोनों आदमी वहां से गायब हो जाते हैं, जैसे आग की पुतली के अंदर से वो कोई दूसरी जगह पर चले गए हों, स्थानांतरण द्वार की तरह। इस तरफ युग काला झाड़ी जंगल के अंदर लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। उसने अपने कंधे पर ही एक बड़ा सा काला बैग टांगा हुआ था जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। युग के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी। उन बूंदों को देखकर साफ समझ आ रहा था जैसे वो किसी चीज से डरा और घबराया हुआ हो। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी से तो निकल आया, अब बस मुझे जल्दी से जल्दी घाट पर पहुंचकर वहां पर कामेश्वरी जी को बुलाना है। एक बार बस वो वहां पर आ जाए फिर मैं उनसे अपने मन की सारी बातें कर लूंगा और ये भी पता लगा लूंगा कि वो यामिनी से सच में प्यार करती हैं या फिर ये सब ताज पाने के लिए एक नाटक था। युग अगले ही पल रुकता है और कुछ घबराते हुए कहता है, बस यामिनी ना वहां पर आ जाए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, यामिनी आज घाट पर क्यों आएगी? आज अमावस्या या पूर्णिमा थोड़ी है जो वो मुझे रोकने के लिए वहां पर आएगी। मैं तो पहले ही उसे सुलाकर आ रहा हूँ, वो तो अभी भी गहरी नींद में सो रही होगी। युग फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए युग अभी बंगलामुड़ा घाट पर पहुंचा ही था कि तभी उसे बंगलामुड़ा घाट पर एक मछुआरा नजर आता है। वो मछुआरा घाट के किनारे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल था जिसमें कई सारी मछलियां फंसी हुई थी जिसे वो जाल में से निकालकर एक बाल्टी के अंदर जमा कर रखा था। युग उस मछुआरे को देखते हुए मन में सोचता है, इस मछुआरे को भी आज ही मछली पकड़ने आना था क्या? अब मैं इसके रहते हुए कामेश्वरी जी को कैसे बुलाऊं? मुझे इसके यहाँ से जाने तक का इंतजार करना पड़ेगा। युग उस मछुआरे के वहां से जाने का इंतजार करने लग जाता है। उसे लगा था कि जाल में से सारी मछलियां निकालकर बाल्टी में जमा करने के बाद वो मछुआरा वहां से चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो मछुआरा फिर से जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ने लग जाता है। उस मछुआरे के हर बार जाल फेंकने पर ढेर सारी मछलियां फंसती जा रही थी और वो उन्हें निकालकर बाल्टी में इकट्ठा करते जा रहा था। युग गुस्से के साथ खुद से कहता है, ये मछुआरा आज ही सारी मछलियों को पकड़ लेगा क्या? काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो मछुआरा वहां से गया नहीं था। वो वही सब बार बार करते जा रहा था जिसे देखकर युग को गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि वक्त निकले जा रहा था और उसे आज रात ही कामेश्वरी यक्षिणी को किसी भी हाल में घाट पर बुलाना था, उससे बात करनी थी। युग सोच ही रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे मछुआरा वहां से चला जाए। तभी जाल नदी में फेंकते हुए ही उस मछुआरे का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नदी के अंदर गिर जाता है। नदी के अंदर ही कुछ नुकीले पत्थर रखे हुए थे जो उस मछुआरे को चुभ जाते हैं। जब वो मछुआरा वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसके हाथ पैर में कई खरोंचे लगी हुई थी।
उसकी कोहनी से तो खून भी निकलने लग गया था। उसके सिर पर भी हल्की सी चोट आ गई थी। मछुआरा दर्द से कराहते हुए खुद से कहता है, आ लग गई, मुझे तो लगा था आज मेरा अच्छा दिन है, पर इस फिसलने के कारण पूरे दिन का सत्यानाश हो गया। अब वापस जाना चाहिए, अब तो मेरे हाथ ने भी जवाब दे दिया है। आहा, कितना दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो मछुआरा वहां से जाने की तैयारी करने लग जाता है, अपने जाल को लपेटने लग जाता है। युग उस मछुआरे पर ही नजर गड़ाए हुए था। जब वो मछुआरा अपना जाल लपेट रहा था तो उसकी कोहनी में जो चोट लगी हुई थी वहां से खून बहने लग गया था, और जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है, टप से आवाज सुनाई देती है। उस खून की महक युग तक पहुंचने लग जाती है। युग खून की महक को सूंघने लग जाता है। युग एकटक नजर से उस मछुआरे की कोहनी से टपकते हुए खून को देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बूंद देखकर युग के मुंह में पानी आने लग गया हो। वो अपने होठों पर अपनी जीभ को फेरने लग जाता है जैसे कुछ चाट रहा हो। खून की बूंदों को देखते हुए ही युग को न जाने क्या हो जाता है। उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। उसके साथ ही उसके हाथों पर के पांचों निशान भी। ऐसा लग रहा था जैसे अब युग युग ना रहा हो, वो कोई और बन गया हो। युग अपने कंधे पर का काला बैग नीचे रखता है और उस मछुआरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। युग ऐसे कदम बढ़ा रहा था जैसे वो किसी और के वश में हो गया हो, एक रोबोट की तरह। युग इतनी तेजी के साथ उस मछुआरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था कि उस मछुआरे का ध्यान भी युग की तरफ चले गया था, पर तब भी वो अपने जाल लपेटने में लगा हुआ था। युग उस मछुआरे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो मछुआरा युग की आंखों पर ध्यान नहीं देता है और अपना जाल लपेटते हुए ही बेमन से बोल पड़ता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे पास आकर क्यों खड़े हो गए? युग कुछ जवाब नहीं देता है। उसका ध्यान उस मछुआरे की कोहनी से टपकते हुए खून की तरफ ही था। उस मछुआरे को लगता है कि युग उसकी मछली की तरफ देख रहा है, इसलिए वो अंदाजा लगाते हुए कहता है, मछली चाहिए क्या तुझे? युग भारी आवाज में कहता है, मछली नहीं चाहिए। मछुआरा पलट कर कहता है, तो फिर क्या चाहिए? युग गुस्से के साथ भारी आवाज में कहता है, तेरा दिल। इतना कहकर युग तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे उस मछुआरे के सीने के अंदर घुसेड़ देता है। युग का हाथ उस मछुआरे के सीने से आर पार हो जाता है। वो मछुआरा दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है, आ! सदियों से है पुराना। वो मछुआरा दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है, आ! इसी चीख के साथ युग अपना हाथ उस मछुआरे के सीने में से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही युग अपना हाथ उस मछुआरे के सीने में से बाहर निकालता है, उस मछुआरे का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मछुआरे का शरीर तो जमीन पर गिर गया था, पर युग का हाथ पूरी तरह खून से सना जा चुका था और उसकी मुट्ठी में मछुआरे का दिल था जो अभी भी धक धक करके धड़के जा रहा था। युग की दोनों आंखें अभी भी उसी मछुआरे के दिल पर टिकी हुई थी। युग अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालता है, सबसे पहले अपने हाथ पर लगे खून को चाटता है और उसके बाद कच कच करके मछुआरे के दिल को चबाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बड़ा ही मजा आ रहा हो उस मछुआरे के दिल को खाने में। दिल चबाने के बाद उसकी नजर मछुआरे के शरीर पर पड़ती है जो घाट पर ही पड़ा हुआ था। युग अगले पल अपने पैर आजू बाजू करते हुए मछुआरे के पेट पर धड़ाम से बैठ जाता है और मछुआरे के शव के ऊपर टूट पड़ता है। युग उस मछुआरे की बोटी बोटी निकाल कर खाने लग जाता है। युग किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो युग हो। ऐसा लग रहा था जैसे खून देखकर उसके अंदर का भक्षानर उस पर हावी हो गया हो और वो खुद अपने आप को रोक नहीं पा रहा हो। पर इस वक्त वो जरा भी होश में नहीं था, वो तो बस उस मछुआरे का मांस खाने में लगा हुआ था। युग के अंदर एक ऐसी प्यास की तड़प उठी थी जो आज पानी पीकर नहीं बुझने वाली थी, बल्कि खून पीकर बुझने वाली थी। युग तब तक उस मछुआरे का खून पीते रहता है जब तक उसकी प्यास नहीं मिट जाती है। युग तब तक उस मछुआरे का मांस खाता रहता है जब तक उसकी भूख नहीं मिट जाती है। देखते ही देखते युग के अंदर की हैवानियत कम होने लग जाती है। जिस फुर्ती के साथ वो मछुआरे का मांस उसके बदन में से उधेड़ उधेड़ कर खाया जा रहा था, वो फुर्ती कम हो गई थी। युग उस मछुआरे का मांस चबा ही रहा था कि तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और उसके हाथ जो उस मछुआरे के मांस का टुकड़ा उसके बदन में से उधेड़ने वाले थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। उसकी आंखें वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी, साथ में हाथ के निशान जो पीली रोशनी के साथ चमक रहे थे वो भी नॉर्मल हो गए थे। कुछ पल के लिए युग को सांप सूंघ गया था और वो मछुआरे के बदन के ऊपर ही मूर्ति बनकर बैठ गया था। युग मछुआरे को इस तरह मरा हुआ देखकर शॉक्ड रह जाता है। युग मछुआरे के शव को देखते हुए घबराहट के साथ हकलाते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो गया, किसने इस मछुआरे को मार दिया?
युग की बातें और चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि जैसे उसे पता ही ना हो कि मछुआरे को किसने मारा था, वो किसी और को उसका कातिल समझ रहा था। युग खुद से बार बार ये सवाल पूछ ही रहा था कि मछुआरे को किसने मारा। उसी वक्त उसकी नजर खुद के खून से रंगे हुए हाथ पर पड़ती है और अपने हाथ खून से रंगे देखकर वो समझ जाता है कि मछुआरे का खून जिसने किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मछुआरे को कैसे मार सकता हूँ। युग रोने लग जाता है। उस मछुआरे की मौत का उसे बहुत ज्यादा अफसोस था, उसे खुद से नफरत होने लग गई थी। उसे कुछ याद ही नहीं था कि कैसे उसने उस मछुआरे को मार दिया था। युग रोते हुए खुद से कहता है, ये मेरे हाथों को क्या हो गया, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, मैं तो यहाँ पर कामेश्वरी जी को बुलाने के लिए आया था, ये मैंने क्या कर दिया। युग दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। उसे खुद से घिन आने लग गई थी, अपने हाथ देखकर उसे खुद से नफरत होने लग गई थी। युग रो ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि जो हो चुका था उसे अब बदला नहीं जा सकता था, रोने से अब कुछ नहीं बदलने वाला था। युग को वो बात याद आने लग जाती है जिसके लिए वो घाट पर आया था। युग अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहता है, मुझे कामेश्वरी जी को बुलाना ही होगा वरना पता नहीं मैं क्या से क्या बन जाऊंगा, अब वही सब कुछ ठीक कर सकती हैं। इतना कहकर युग मछुआरे के बदन पर से उठ जाता है और कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने की तैयारी करने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर यामिनी बड़े ही आराम से बेड पर सो रही थी। यामिनी सोते हुए ही अचानक उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे आने लग जाती है। वो अपना हाथ बेड पर ही यहाँ वहाँ मारने लग जाती है जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रही हो। नींद में ही यामिनी की घबराहट बढ़ने लग गई थी और उसकी ये घबराहट का पता उसकी तेज तेज चलती सांसों से साफ लगाया जा सकता था। यामिनी नींद में ही बार बार ना में अपना सिर हिला रही थी जैसे वो किसी को कुछ करने से रोक रही थी। माथे पर पसीने की बूंद बढ़ने के साथ ही यामिनी की घबराहट बढ़ी रही थी कि तभी वो बौखलाहट के साथ नींद में से उठती है और चीख पड़ती है, नहीं युग बाबू, नहीं नहीं युग बाबू। यामिनी नींद में से जाग चुकी थी और वो बहुत घबराई हुई थी। यामिनी खुद से बात करते हुए कहती है, ये कैसा सपना था, इससे अच्छा तो मुझे सपने आने ही बंद हो जाए, मैंने योग बाबू को सपने में किसी को। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर बिस्तर के बगल में पड़ती है जहां पर युग की जगह पर तकिया रखा हुआ था। यामिनी घबराते हुए खुद से कहती है, ये युग बाबू कहां पर चले गए, वो यहीं पर तो सो रहे थे मेरे साथ। यामिनी परेशान होने लग जाती है। युग को कमरे में ना देखकर यामिनी काफी डर गई थी। अगले ही पल यामिनी बिस्तर पर से नीचे उतरती है और युग को ढूंढने लग जाती है। युग को ढूंढते हुए ही यामिनी अपने कमरे से बाहर निकलती है। यामिनी युग को ढूंढते हुए घबराहट के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये युग बाबू इतनी रात में कहां पर चले गए, ये युग बाबू ना कभी मुझे कुछ नहीं बताते, कहीं पर जाना ही था तो मुझे उठाकर बताकर जाते कम से कम, उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि अगर मेरी नींद खुल गई तो मुझे उनकी कितनी फिक्र होगी, ऊपर से वो सपना उससे भी आज ही आना था क्या, बस वो सपना सच ना हो, अगर वो सच हो गया तो फिर। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उस डर के कारण ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। यामिनी ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे में युग को ढूंढ रही थी पर युग उसे किसी भी कमरे में नहीं दिख रहा था, सारे कमरे खाली पड़े हुए थे। युग को ढूंढते हुए ही यामिनी रूम नंबर 666 के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचती है उसे कुछ छलछल महसूस होती है। रूम नंबर 666 का दरवाजा टिका हुआ था जिस कारण वो उस कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है। यामिनी को अभी भी हलचल सुनाई दे रही थी। उस हलचल को सुनकर यामिनी के दिल को कुछ सुकून मिलने लग जाता है, उसे हल्की सी राहत महसूस होती है। यामिनी युग को पुकारते हुए कहती है, युग बाबू आप अंदर है क्या। युग का कोई जवाब नहीं आता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा बना रहता है। यामिनी फिर युग को आवाज लगाती है पर फिर कोई जवाब नहीं आता है। यामिनी के मन की बेचैनी बढ़ने लग जाती है और उसी बेचैनी के साथ अगले ही पल दरवाजे को धक्का देते हुए झट से अंदर घुस जाती है। जब यामिनी उस कमरे के अंदर घुसती है तो दंग रह जाती है। वो जहां तक पहुंची थी वहीं पर रुक जाती है। कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यामिनी देखती है कि फर्श पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था उसकी आंख की पुतली में मूवमेंट हो रहा था। वो पुतली एक ही जगह पर बार बार गोल गोल घूमते जा रही थी। आंख की पुतली के अंदर सिर्फ मूवमेंट नहीं हो रहा था बल्कि उसके अंदर से ढेर सारा धुआं भी निकले जा रहा था, वैसा ही काला धुआं जो काले साय के बदन के अंदर से निकलता था। यामिनी फर्श पर बने निशान को देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, इस पुतली के अंदर से ये धुआं कैसे निकल रहा है, आज से पहले तो मैंने कभी इसमें से ऐसा धुआं निकलते हुए नहीं देखा, आज ही अचानक से क्या हो गया। यामिनी उस आंख के पास जाती है और उसकी पुतली के अंदर नीचे झांक कर देखने लग जाती है पर उसके अंदर भी धुआं इतना ज्यादा था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था।
यामिनी एक बार फिर युग को पुकारते हुए कहती है, युग बाबू आप अंदर हैं क्या? युग बाबू, युग का कुछ जवाब नहीं आता है। यामिनी की घबराहट बढ़ने लग गई थी। आंख की पुतली के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, ऐसी आवाजें जिसे यामिनी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। यामिनी को ऐसा लगने लग जाता है जैसे युग उसके अंदर है। यामिनी पुतली के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू आप अंदर है ना? मैं आ रही हूँ युग बाबू, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर यामिनी अगले ही पल उस आंख की पुतली के अंदर कूद जाती है। इस तरफ बंगला मुड़ा घाट पर युग ने कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने की सारी तैयारी कर ली थी। इस वक्त वो बंगला मुड़ा घाट पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। रेत पर ही गीले कुमकुम से एक बड़ा सा गोल चक्र बना हुआ था, जिसके अंदर एक फूल बना हुआ था जो चमेली की तरह लग रहा था। चमेली के फूल के एकदम ऊपर आटे से बना एक कटोरा रखा हुआ था, जिसके अंदर घी, चंदन और आम के पेड़ की जलाऊं छोटी सी तीन चार लकड़ियां रखी हुई थी। युग को यह सब देखकर कुछ याद आने लग जाता है और वो खुद से कहता है, ये वही विधि है जो मैंने अभिमन्यु के साथ यामिनी को बुलाने के लिए की थी, जब यामिनी शालिनी के शरीर के अंदर थी। उसी रात तो काले साई ने डायना पर हमला किया था और वो सबके सामने आया था। युग एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहता है, अभिमन्यु की बताई हुई विधियां कभी गलत नहीं होती हैं। उस रात यामिनी को भी किसी न किसी तरह से मेरे सामने आना पड़ा था और आज रात कामेश्वरी जी को भी मेरे सामने आना ही पड़ेगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक कामेश्वरी जी यहाँ पर आ नहीं जाती हैं। उनसे मिले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, उन्हें आना ही होगा। युग अभिमन्यु को याद करते हुए कहता है, काश अभिमन्यु मेरे साथ होता तो चीजें और भी आसान होती, पर लगता है ये सब अब उसके बिना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। युग कुछ पल के लिए मायूस हो जाता है, पर जब वो वक्त को बीतते हुए देखता है तो सब कुछ भूलकर अपने आप को हौसला देते हुए फिर खुद से बोल पड़ता है, मुझे अब यक्षिणी आह्वान मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए, तभी आटे के दीपक में रखी आम की लकड़ियों में अपने आप आग लग पाएगी और उसी के बाद कामेश्वरी जी यहाँ पर आएगी। उस रात भी दीपक में आग लगने के बाद ही यामिनी आई थी। युग अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ता है और यक्षिणी आह्वान मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम रे मागच्छ मागच्छम यक्षिणी स्वाहा, ओम रे मागच्छ आगच्छ यक्षिणी स्वाहा। युग बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाता है। मंत्रों का उच्चारण करने की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। इस तरफ कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे। मंदिर की सीढ़ियों पर उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। आसपास का पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ था। पहले तो कामेश्वरी यक्षिणी अकेले ही वहां पर बैठी हुई थी, पर उसको वहां पर अकेला बैठा देखकर रज्जन खुद उसके पास आकर बैठ गया था और उससे बातें करने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी को खुद रज्जन के साथ रहना, बातें करना अच्छा नहीं लगता था। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, कामेश्वरी तुम्हें पुजारी जी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, आज ही तारा की शक्ति जागृत करने के लिए यज्ञ शुरू कर देना चाहिए था। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नहीं रज्जन, पुजारी जी का कहना भी ठीक है, हमें शंखरस आने तक इंतजार करना चाहिए। रज्जन पलट कर कहता है, और कब तक आएगा शंखरस कामेश्वरी, कौन उसे लेकर आ रहा है? कामेश्वरी यक्षिणी खामोश रहती है। उसकी खामोशी देखकर रज्जन समझ गया था कि कामेश्वरी यक्षिणी के पास भी उसके सवाल का जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि कार्तिक पुजारी ने कामेश्वरी यक्षिणी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, ना ही ये बताया था कि शंखरस कौन लेकर आ रहा है। रज्जन फिर बोल पड़ता है, नहीं पता ना तुम्हें भी कामेश्वरी कुछ, हम शंखरस का इंतजार नहीं कर सकते। कामेश्वरी हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, वो काला साया कभी भी कुछ भी कर सकता है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। कामेश्वरी यक्षिणी चुपी रहती है, किसी बात का पलटकर रिपीट कामेश्वरी यक्षिणी चुपी रहती है, किसी बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है। रज्जन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं तो कहता हूँ तुम पुजारी जी से बात करके कल सुबह ही तारा के साथ मिलकर यज्ञ शुरू कर दो। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी चुप रहती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई हो। रज्जन कामेश्वरी पर चिढ़ते हुए कहता है, कामेश्वरी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कामेश्वरी भी उसी लहजे में बोल पड़ती है, देखो रज्जन मैं ना पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। रज्जन अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ पूछता है, तुम परेशान हो कामेश्वरी पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, अब मैं रज्जन को कैसे बताऊं कि मुझे एक नहीं कई सारी परेशानियां हैं। एक तो समझ नहीं आ रहा तारा वो यज्ञ कर भी पाएगी या नहीं, कहीं पुजारी जी खुद मुझे वो यज्ञ करने से मना न कर दे, ऊपर से यामिनी की याद हर वक्त मुझे सता रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। उसके दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसके बारे में सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, बोलो कामेश्वरी तुम परेशान क्यों हो, सुबह से देख रहा हूँ तुम कहीं खोई खोई हो। कामेश्वरी यक्षिणी ना चाहते हुए भी रज्जन से बोल पड़ती है, वो रज्जन तारा से जो मैं यज्ञ कराने जा रही हूँ वो।
कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही वो चुप हो जाती है, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हो रहा हो जिसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया हो। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो गई कामेश्वरी, बताओ क्या बता रही थी तुम मुझे। कामेश्वरी भारी आवाज में कहती है, वो मुझे पुकार रहा है सज्जन। रज्जन हैरानी के साथ पूछता है, कौन तुम्हें पुकार रहा है कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, युग। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।